ये कौन सी इज्जत है कि एक लड़की अगर किसी को मोहब्बत कर रही है तो आप लोग जबरदस्ती उसकी शादियां, एक शादी नहीं शादियां कर रहे हैं और उसके साथ निकाह नहीं कर रहे जिसके साथ उसकी चाहत है, और गैरत के नाम पर फिर उस लड़के के साथ आप जो सुलूक कर रहे हैं उसकी आंखें निकाल दी आप लोगों ने बर्फ वाले सुए से जी। इतना भयानक इंतकाम तुम्हारे दिमाग में कैसे आया था? मैंने एक फिल्म देखी थी। कौन सी फिल्म? बंगाली जी। अच्छा, उसमें क्या देखा था? वो जी आंखें निकालते हैं। अच्छा जी सर, मैंने वो आइडिया इस्तेमाल किया। उस फिल्म का क्लाइमेक्स या एंड नहीं देखा था कि जो इस तरह की हरकतें करते हैं उनके साथ फिर क्या होता है? नहीं। क्या नाम है भाई तुम्हारा? जुल्फकार जी। जुल्फकार जी। ठीक, तुम्हारी बहन थी? जी। अच्छा, तुम भाई? आबिद अली जी। आबिद अली जी। तुम भी भाई हो? जी। अजहर अली। अजहर अली जी। तुम क्या लगते हो? बेगम। तुम्हारी वाइफ के टर्म्स थे उस शख्स का जिसको तुम लोगों ने मारा? अच्छा, हाँ भाई। अनवर अली जी। अनवर अली। तुम्हारा क्या रिश्ता है? जी मेरी भाभी। हाँ भाई। मैं जी नवाज। नवाज रिश्ता पूछा है? बस हैरान है। इस केस में तुम्हारा कसूर क्या था, खुद ही बताओ। सजावन दीवारी यहाँ जैसे किल लगा उस समय इसको। मैं पूछ रही हूँ कि तुम्हें हथकड़ी क्यों लगी हुई है? उससे जुर्म अच्छी लगी हुई है। क्या जुर्म था? अपनी इज्जत बारे लड़े हैं जी। कौन सी इज्जत? चौथी बार शुरू होया। फिर? तो फिर जे उत्ते सानो लाभ गया जी। उत्ते जे मोड़ा सा उस नाल यो काम किता भाई। मेरी बात सुनो, तुम लोग कहते हो गैरतमंद थे, गैरत के लिए सब कर रहे थे, ऐसे ही है जी? हाँ। तो जब पहले दो बार वो उसके साथ भाग गई थी तो गैरत सोई हुई थी, शादी कर देते उसी के साथ? नहीं जी, मोड़ निकाह अगर कर देता जी, अगर उसी से कर देते जिसके साथ वो भाग रही थी बार बार। नहीं जी। तब गैरत कहाँ थी आप लोगों की? तब इज्जत कहाँ थी आप लोगों की? ये कौन सी इज्जत है कि एक लड़की अगर किसी को मोहब्बत कर रही है तो आप लोग जबरदस्ती उसकी शादियां, एक शादी नहीं शादियां कर रहे हैं और उसके साथ निकाह नहीं कर रहे जिसके साथ उसकी चाहत है, और गैरत के नाम पर फिर उस लड़के के साथ आप जो सुलूक कर रहे हैं उसकी आंखें निकाल दी आप लोगों ने बर्फ वाले सुए से जी। और ये कौन सी इज्जत गैरत है? गैरत कुरान मेले मोड़ लात बंदे आ जावे मोड़ से उसे कुरान ते जावे। तुम्हें कुरान आता है जी? पढ़े हुए कुरान? नहीं जी, पढ़ा कोई। तो जब पता नहीं है कुरान में क्या है तो फिर तुम लोग किस चीज की गैरत इज्जत की बात करते हो? सबसे पहले इज्जत और गैरत तो हमारे दीन ने मुतारफ करवाई थी, उस कुरान में कहा गया है कि लड़की की मर्जी है तो उसकी शादी उस जगह पे कर दो जहां वो चाहती है। लड़की और लड़के की तुम शादीशुदा, तुम्हारी अपनी बीवी के ऊपर दिल ना हो या उससे शादी ना करना चाहते, तुम्हारी अम्मी कर सकती थी? इसी तरह औरत के पास भी इख्तियार है, ये हमारा दीन कहता है कि बेटी से पूछा जाए, ऐसे ही है जी। पूछा जाए, औलाद है ना जी, बेटियां भी हैं ना, कल को पूछोगे नहीं बेटी से कि बेटा तू यहाँ खुश है कि नहीं? जब पूछना पड़ता है तो फिर गैरत किस चीज की थी? अगर उसकी मर्जी वहां थी कर देते, गलती तो हुई है ना? गलती तो हुई है, हुई है ना उस दिन जब वो पकड़ के वहाँ पंचायत लगा रहे थे, किस चीज की खुद साख्ता पंचायत थी, नहीं लगानी चाहिए थी जी? है जी, आज एहसास हो रहा है जिस कदर ये इंसानियत सूज़वा क्या था। दुनिया के किसी मजहब में ना तो इसकी इजाजत है, ना ही हमारा दीन इसकी इजाजत देता है। आखिर दीन कहता क्या है, यही जानने के लिए हमारे साथ महमूद अहमद चिश्ती साहब मौजूद है, मजहबी स्कॉलर हैं। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। चिश्ती साहब, ये बताइएगा कि किसी की आंखें निकाल देना बर्फ वाले सुए के साथ, एक महज इस शक की बुनियाद पर कि इसके ताल्लुक हैं हमारी घर की किसी औरत के साथ, क्या दीन इस नहज पे आके भी कि ताल्लुक वाक़ साबित भी हो जाए, क्या इस इजाज़त देता है कि ऐसा कोई जुल्म रवा किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर दो चीज़ें मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। पहली बात ये कि गैरत के नाम पर किसी पर तशद्दुद करने की इस्लाम कतन किसी मकाम पर भी इजाज़त नहीं देता। एक सहाबी अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बीवी को हालत गैर में देखा है, क्या मैं उसे कत्ल कर दूँ? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तुम्हें कोई हक हासिल नहीं है कि तू उसे कत्ल करे, क्या तेरी गैरत अल्लाह और उसके रसूल से बढ़के है? क्या बात है। तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि जब इंसान हदूद व क़ुयूद के अंदर कानून को अपने हाथ में लेता है तो वो कानून अपने हाथ में नहीं ले रहा होता, वो रियासत के साथ भी गद्दारी कर रहा होता है और साथ ही साथ अल्लाह के साथ भी जो है उसके अहकामात को तोड़ रहा होता है। और दूसरी बात, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मन अज़ा मुस्लिमन फ़क़द अज़ानी, जिसने किसी मुसलमान को अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी, और जिसने मुझे अज़ियत दी उसने अल्लाह को अज़ियत दी। और फिर उस चेहरे पे मारना,
जिसके मुतालिक फरमाया जाता है कि अगर तुम जानवरों को सुधारते हो तो उनके चेहरों पर भी ना मारो, चे जाए कि ये एक इंसान का चेहरा है जिसे अल्लाह ने अपने हाथों से तख्लीक फरमाया। पूरे के पूरे इंसान में चेहरे को अल्लाह ने अपने हाथों से तख्लीक फरमाया और ये वो चेहरा है जिसकी मिसाल ऐसी है कि इन आंखों से अल्लाह इंसान जो है वो कुरान भी पढ़ता है, इन आंखों से जो है वो मदीने के सपने भी देखता है, इन आंखों से जो है वो अल्लाह खालिक कायनात के हबीब के दीदार की ख्वाहिश भी रखता है। उन आंखों को छीन लिया जाए सिर्फ इस बिना पर कि ये शक है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि मन हमल अलैना सलाह फलैस मिन्ना, जिसने किसी मुसलमान पर हथियार उठाया वो हम में से नहीं। और दूसरी रिवायत में अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जिसने किसी मुसलमान पर हथियार उठाया अभी उसे इस्तेमाल नहीं किया, फरमाया लानतुल्लाहि वल मलाइकाति वन नासी अजमाइन, जमीन व आसमान के अंदर जितनी भी चीजें हैं फरिश्ते हैं उस शख्स पर लानत भेजते रहते हैं जब तक कि वो उस हथियार को फेंक नहीं देता। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कुरान ने मजीद बुरहान रशीद सूरतुल माईदा आयत नंबर 45 के अंदर अल्लाह खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया कि आंख के बदले आंख, लेकिन इसका मतलब कतन ये नहीं है कि कोई शख्स जो है वो कानून को अपने हाथ में ले ले। कानून पर अमल दरामद करना और हदूद व कयूद का जो है ताल्लुक रियासत के पास है, क्योंकि इख्तदार आला काजी के पास है, काजी के पास है, रियासत के पास है। अल्लाह की जात के बाद रियासत को अल्लाह ने दिया है, इसीलिए फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र, अल्लाह की अताअत करो, अल्लाह के रसूल की अताअत करो और हुकूमत वक्त। अब काजी को अल्लाह ने जब ये हक दिया हुआ है कि पहले वो ये फैसला करे कि क्या इस शख्स पर हदूद लागू होती है या नहीं और इसकी सजा क्या है और किस तरह से उसे जो है वो पाए तकमील तक पहुंचाना है, ये काम है रियासत का। लेकिन जब कोई शख्स किसी को सजा देने के लिए कानून को अपने हाथ में लेता है तो वो माशरे के अंदर इंतशार पैदा करता है, जुल्म करता है, बर्बरियत करता है और सबसे बड़ी बात ये कि वो रियासत के साथ जो है वो कहना बहुत बड़ा जुमला है, लोग इसको बहुत बड़ा सीरियस लेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि वो रियासत के साथ गद्दारी कर रहा है क्योंकि रियासत की के साथ बगावत कर रहा है, क्योंकि रियासत ने जो अहकामात काजी को और रियासत को दिए हैं वो कोई शख्स अपने हाथ में ले तो इसका मतलब ये है कि वो रियासत के साथ बगावत की कोशिश कर रहा है। इंसान खुद अपनी जात को कैसे संवार सकता है? अल्लाह अकबर, बड़ी खूबसूरत बात की। खुद इंसान अपनी जात को इसी तरह से संवार सकता है कि दूसरों की, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि बदजुबानी और बदगुमानी से इज्तनाब किया जाए, दूसरों के मुतल्लिक जो है वो बदगुमानियाँ करने की बजाय अपनी ज़ात का एहतसाब किया जाए। मौला कायनात के शहजादे ये फरमाते हैं कि मुत्तकी वो नहीं है जिसकी महफिल पाक है, मुत्तकी तो वो है जिसकी तन्हाई पाक है। तन्हाई के अंदर अच्छी सोची रखा, बहुत खूबसूरत मैसेज दिया कि मुत्तकी वो नहीं जिसकी महफिल पाक है बल्कि मुत्तकी वो है जिसकी तन्हाई पाक है। हाँ भाई, क्या हुआ था उस दिन? उस दिन जी उन्हें बांधा टाली के साथ और ये तुम भी पानी पीने चले गए? नहीं जी, अच्छा, शुक्र है तुम में से कोई तो रह गया। सब पानी पीने चले गए थे। हाँ। मैं यहाँ पर अकेला था जी, यहाँ से केल पड़ा था जो वो मैंने उठाया और उसकी आंख में डाल दे। क्यों क्यों वो जी उसे क्यों मार दी? क्या कहा था उसने तुम्हें? कुछ चोरी की थी तुम्हारे घर? नहीं। क्या किया था उसने? उस बहन को तो तुम लोगों ने कुछ कहा नहीं? नहीं। उस दिन वो शख्स तुम लोगों की बहन के साथ भी नहीं था, तो तकलीफ क्या थी तुम लोगों को? वो जी उनके साथ जा रहा था, फिर से मैंने उसने मुझे देखा, फिर से वो छुप गया कमांड में। जब वो उसके साथ बार बार जाती रही तुम लोगों ने उसका निकाह नहीं किया बल्कि उसका आगे आगे निकाह करते रहे, कहीं ना कहीं तुम लोगों के अंदर कहीं ना कहीं कोई तकलीफ थी। उसके बाद वो आया तो वो तुम्हारी बहन के घर के अंदर नहीं था, उस गांव में आया, तुम लोगों ने पकड़ के उसको मारना शुरू कर दिया और इतना मारा कि लोगों को प्यास लग गई। वो एक और तुम इतने लोग, 11 लोग, तुम कहां की इंसानियत थी? ये खुद साख्ता पंचायत है, कभी थाने का बोर्ड नहीं देखा था यहाँ पे? जिस दीन ने इज्जत गैरत सिखाई है उस दीन ने यह भी बताया कि किसी इंसान को तकलीफ नहीं पहुंचानी, और उसी दीन ने इख्तियार दिया है औरत को भी कि वो भी अपनी मर्जी का शौहर पसंद कर सकती है, घर वाले उसका निकाह वहां कर दें अगर उसकी मर्जी है तो। औरत को इख्तियार दिया है ना दीन ने जी। तो फिर तुम लोगों को किस चीज का इख्तियार था? गैरत का लफ्ज ही हमारे दीन ने मुतारिफ करवाया। नंदा गुनाह था जी, इसलिए उसे। क्या गुनाह था? वो जी यहां पर गया था उसके पीछे। जब तुमने अपने बहनोई के हाथ में अपनी बहन का हाथ दे दिया, ये काम वो करता तो चलो एक मशर्ती जस्टिफिकेशन थी उसके पास, तुम्हारे पास तो वो भी नहीं थी। अब गुनाह तो ये था, ये वो भी जो तुमने किया सवाब का काम है। नहीं जी, तो जब तुमने भी गुनाह ही करना था तो तुम में और उसमें क्या फर्क है? कोई नहीं जी, कोई फर्क नहीं रहा ना जी। बहन के बारे में कुछ सोचा हुआ था कि उसका भी कुछ करना है?
तुम्हारे अंदर कोई दुश्मनी पल रही थी। ये मारे कैसे थे उसकी आंख में सुअर? सुअर था तो दोनों आंखों में मैंने जो उसकी मारा था। इतना भयानक इंतकाम तुम्हारे दिमाग में कैसे आया था? मैंने जी एक फिल्म देखी थी। कौन सी फिल्म? बंगाली जी। अच्छा, उसमें क्या देखा था? वो जी आंखें निकालते हैं। अच्छा जी सर, मैंने वो आइडिया इस्तेमाल किया। उस फिल्म का क्लाइमेक्स या एंड नहीं देखा था कि जो इस तरह की हरकतें करते हैं उनके साथ फिर क्या होता है? नहीं, एंड नहीं देखा है। मतलब की चीज देख ली, वाह। अब इसका एंड क्या होता है ये मैं बताती हूँ तुम्हें। हाँ जी, जिसे क्या सजा हो सकती है? उम्र कैद की हद तक हो सकती है। इसे सारी जिंदगी जेल में सलाखों के पीछे सड़ना पड़ सकता है। ये है इसका क्लाइमेक्स, समझ आइए नाजरीन। ये वो लोग हैं जिन्होंने महज शक की बुनियाद पर, इनको शक था कि इनकी बहन उसको पसंद करती है, हालांकि अब वो शादीशुदा दो बच्चों की माँ है। इन्होंने शक की बुनियाद पर रंगे हाथों भी नहीं पकड़ा, घर से भी नहीं पकड़ा, सिर्फ किसी के कहने पर किसी ने फोन किया कि गांव में वो लड़का मौजूद है। इन 11 लोगों ने उसे पकड़ के बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके बाद अपनी मनफी सोच जो शैतानियत इनके दिमाग पर तारी थी उसको सामने लाते हुए बेदर्दी से उसकी आंखों में बर्फ वाला सुआ मार दिया। इस वक्त न जाने वो अपनी सांसों की डोरी आगे लेके चल सकता है नहीं। डॉक्टर्स कहते हैं कि उसकी हालत अभी तक खतरे में है। इन्होंने बर्बरियत ढाई, इन्होंने इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं किया कि ये जो कर रहे हैं ये कितनी बड़ी हैवानियत है, सफाकियत है। सिर्फ एक फिल्म में देखा और उसे असल ज़िंदगी में आज़मा दिया। खुदारा टीवी, फिल्म, ड्रामे ये आप लोगों को सबक देने के लिए होते हैं, वहाँ से नेगेटिव चीज़ें सीखने के लिए नहीं। वालेकुम सर। क्या हाल है आपका? अच्छा चाल साहब, मुझे ये बताइएगा कि एक आशिकी माशूकी का शुबा, शादीशुदा औरत का शादीशुदा मर्द के साथ ताल्लुक, चले ये अखलाकी बुराई है, दीनी बुराई है, मैं समझती हूँ इस चीज़ को कानूनी बुराई भी होगी, क्या किसी आम इंसान के पास ये हक है वो किसी भी रिश्ते में हो कि वो इस बुनियाद पर आंखें निकाल दे लड़के की कि तुमने हमारे घर की बेटी की तरफ देखा, या इस तरह का कोई इंसानियत सूझ वाक़ रूनुमा करे? सुआ मार के आँखें निकाल देना, इसके ऊपर कितनी सजा हो सकती है? ये तो किसी तरह भी जस्टिफाइड नहीं है, ना किसी कानून के तहत, ना किसी मज़हब जो है वो इस चीज़ की इजाज़त देता है कि कोई बंदा जो है वो इस तरह से कानून को अपने हाथ में लेके और इस तरह से ये ब्रुटैलिटी के साथ वो उसके जो है ना आंखों को जो है वो सजा क्या होगी इसके ऊपर? इसमें सेक्शन जो है ना 334 PPC जो है ना वो अट्रैक्ट होता है। और उसमें क्या सजा होती है? जिसके तहत 10 साल सजा होती है और साथ उसमें कंपनसेशन जिसको हम टेक्निकली या लीगली स्पीकिंग अर्श कहते हैं, और उसमें सेक्शन फिर वो क्वांटम बताता है 337R है, जो बताता है कि इसके ऊपर जो है ना आपका जो वैल्यू ऑफ दियत है जो कि इस टाइम 4.26 मिलियन है, वो इसके ऊपर दियत जो है ना वो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है पे करने के लिए। ठीक है, और मल्टीपल मुलजमान हो तो क्या ये दियत उनमें डिवाइड हो जाएगी या हर एक ने इतनी देनी होगी? नहीं, हर एक जो मुलजम है क्योंकि ऑफेंस है ना, हाँ तो जो जो उसके ऊपर कन्विक्ट होगा वो सारे जो है ना उसको उसके मुताबिक दे दे। अच्छा, ये इखलाकी बुराई, माशर्ती बुराई, कानूनी शरई बुराई के शादीशुदा मर्द शादीशुदा औरत के साथ नाजायज ताल्लुकात इस्तवार कर लेते हैं, ऐसे में इसके लिए कानून में क्या सजा दी गई है ताकि लोग कानून को अपने हाथ में ना ले, उन्हें पता हो अवेयरनेस के तौर पर कि अगर हम थाने या कचहरी जाए तो सजा ये मिल सकती है? जी बिल्कुल, इसमें भी 496B है फॉर्निकेशन के लिए, उसमें 5 साल सजा है और साथ में 10,000 रुपये जो है वो फाइन है। पुलिस जो है वो ठीक तरह से इन्वेस्टिगेट करे ताकि, क्योंकि देखें कोर्ट्स ने जो एविडेंस आनी है उसी के बेसिस के ऊपर कन्विक्शन करनी है और फिर उसके ऊपर सजा देनी है। अगर उसमें लिक्यूनाज आ जाए तो कोर्ट्स फिर मजबूर हैं, उन्होंने तो एक लॉ को फॉलो करना है, जो लॉ ऑफ एविडेंस हमारा लॉ ऑफ द लैंड है उसी को फॉलो करना है, और उसके अंदर अगर कन्विक्शन बनती है तो वो कन्विक्ट करेंगे, लेकिन अगर वो पीछे से ही लिक्यूनाज रह गए हैं तो डिफेंस काउंसिल ऑब्वियसली उन्होंने तो फिर उस वो ठीक। जैसा कि हमें मायरा कानून ने भी बताया कि इस केस में जो मुलजमान हैं उन्होंने जितना बड़ा ये वाकया रूनुमा किया है, अगर मेरिट पे फैसले हों, अदालतें भी इसी तरह फैसला करें जैसा उन्होंने जुर्म किया है, उन्हें उसकी सजा मिले, तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ यही मुलजमान नहीं बल्कि 22 करोड़ आवाम में जो जो क्रिमिनल जहनीत रखते हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ करने के बारे में सोचते हैं, वो इस प्रोग्राम के बाद एक बार सोचेंगे ज़रूर कि हमारे मुल्क में कानून मौजूद है, कहीं इम्प्लीमेंटेशन में वीकनेस है, तो वो भी बहुत जल्द ऐसे प्रोग्राम्स को हम कर करके अवेयरनेस दे दे के या
इसी तरह के वाकयात अगर होते रहे तो आवाम को बता बता कर समझा समझा कर हम शायद अपना कोई किरदार अदा कर सकें, जो कि मैं अभी भी कर रही हूँ। लेकिन ऐसे केसेस में जब सज़ा हो जाती है तो मिसाल रकम हो जाती है, और जब मिसाल रकम होती है तो लोग डरते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। इसी मैसेज के साथ मुझे अनिला ज़का को इजाज़त दीजिए, अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।